अंतभागी खबर लुधियाना तो सामने आ रही है जिथे लुधियाना के बद्दोवाल स्थित सरकारी स्कूल की छत डिगन की खबर सामने आई है। तुहानू दस दिए कि उसारी के अधीन स्कूल की इमारत काम चल रहा है, जिस तों बाद रोटी खाते हुए चार अध्यापकों के उत्ते स्कूल की लैंटर डिगन की खबर सामने आई है, जिस दे विवाद मलबे हेठ चार अध्यापकों के दबे होने की खबर सामने आई सी, पर जिन्हां दे विच्चों दो अध्यापकों बाहर कढ़ लिया गया है ते एक अध्यापक की मौत हो गई है, जिसकी जानकारी खुद सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस के वलों दी गई है। हरजोत बैंस के वलों ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है कि लुधियाना के बद्दोवाल च स्थित सरकारी स्कूल दे विच उसारी का काम चल रहा है, जिसनों बाद उत्थे छत डिगन की खबर सामने आई है, जिस दे विच मलबे हेठ चार अध्यापक दबे हुए सन जिन्हों के बाहर कढ़ लिया गया है। लगातार रेस्क्यू के कामकार चल रहे हैं, उत्थे मलबे नूं भी चक्कण दे जिहड़ा है वह भी काम चल रहा है, पर इस विचकार एक बेहद मंदभागी खबर सामने आई है कि मलबे हेठ दबे हुए चार अध्यापकों के विचों एक अध्यापक जिन्हों का नाम रविंदर कौर दस्या जा रहा है, उन्होंने मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल स्कूल के उसारी का काम चल रहा है, जिथे काम चल रहा है उसके कोल बैठ के अध्यापक जिहड़ा ने वो अपना लंच यानी कि दोपहर का खाना खा रहे थे। सो जिस तों बाद मंदभागी घटना वापरती है, स्कूल का लैंटर डिग जाता है, जिस दे मलबे हेठ दबण कारण चार अध्यापक जिन्हां ने मलबे के हेठ दब जाते हैं, जिन्हां दे विचों एक अध्यापक की मौत हो गई है। सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस के वलों ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। हरजोत बैंस के वलों लिखा गया है कि उसारी दौरान लैंटर डिगन करके चार अध्यापक मलबे हेठ दब गए, जिन्हां विचों एक अध्यापक की मौत होने बारे पता लगा है। मैं सिक्ख्या विभाग के सारे अफसर से जिला प्रशासन लुधियाना तुरंत हर संभव सहायता पहुँचाने बारे कह दिता है। मैं वाहेगुरु जी के चरणों में बिछड़िया रूहों आत्मिक शांति पिछे सारे परिवार को यह दुखदाई भाणा मनण की ताकत बख्शन की अरदास करता हाँ। यह ट्वीट किया गया है सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस के वलों। सो हुण लगातार कई तरीके के सवाल भी जिहड़ा ने वह भी उठने शुरू हो गए हैं कि स्कूल दे विच उसारी का काम चलण के बावजूद भी स्कूल दे विच क्लासां जिहड़ियां ने वह रैगूलर चल रही सी, कई बच्चों के भी इस मलबे के हेठ दबे होने की खबर सामने आ रही है, पर इस विचकार एक बेहद मंदभागी खबर निकल के सामने आ रही है कि चार अध्यापक जिहड़े मलबे हेठ दबे हुए सी उन्हां दे विचों एक अध्यापक की मौत हो गई है। जो स्कूल दे विच लंच टाइम हुंदा है तो अध्यापक उत्थे रोटी खा रहे हुंदे ने, जिस समय यह घटना वापरती है उसारी अधीन चल रही इमारत दे लैंटर डिगन के कारण यह वड्डी घटना वापरी है, जिस दे विच एक अध्यापक रविंदर कौर की मौत हो गई है। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए मूलापुर दाखां दे विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ते उन्हां दे नाल स्कूल प्रशासन के लोगों का की कुछ कहना आओ सुनदे हां। रिपेयर का काम चल रहा कितना कितने अणगहली जरूर हुई है ना। एक तो जो कोई बिल्डिंग दे विच पुरानी बिल्डिंग है 1960 की बनी हुई है, कोई भी जो काम शुरू करना जां इत्थे काम चल रहा तां उत्थे बच्चों नहीं अंदर जान देना चाहिए, टीचरों नहीं जान देना चाहिए सीगा। सो उत्थे ही उपर काम देखो समान जिहड़ा उपर फर्श पट के कितने बनेरे ते कितने छत दे उपर रखा जा रहा, सो उहदा जिहड़ा वेट आ उहदे नाल उपरला पहलों लैंटर डिग्गिया फिर नीचे लग रहा। सो कितना कितने बहुत वड्डी अणगहली हुई आ, फिर भी परमात्मा मेहर करे कि जिहड़े टीचर नीचे उहनां नूं कढ लिया गया वा इत्थों जी आई एस बी टी वाले उन्हें बिल्कुल ही नाल छाउणी आ फौजियों की, सब तो पहले उही पहुंचे इत्थे ते वो जवानों ने बड़ी मेहनत दे नाल कोशिश करके उन्होंने कढ़िया, तो जिन्हां चों तीन की हालत काफ़ी बिल्कुल ठीक लगती है तो चौथे थोड़े जे सीरीयस लगते हैं। परमात्मा मेहर करे कि उन्हें सारिया ही तंदुरुस्त हो जान बच जाए उन्हां दी, ते अगे वास्ते सानू ध्यान देने की लोड़ आ, चाहे उत्थों दे प्रिंसीपल ने ते जां जो भी एजेंसी काम करा रही है, तो कि जित कित्थे भी काम चलता खास तौर पर स्कूलों के तो भी उत्थे बच्चों वो बिल्डिंग तो जिते काम चलता बकायदा बल्लियां ला के जिस ढंग दे नाल जे आपां काम करिए तो इदां दे हादसे बच सकते हैं। सर दो लैंटर डिगे आ, उपरली छत भी डिगे, हेठली छत लगे, इह वड्डा हादसा जिहड़ा हाँ उहदे वेट नाल ही गिरे ना, उहदे उपर वेट पहलों रख्या गया, सारा फर्श पट के उहदे उत्ते रख्या गया, उहदे करके उह गिरिया, इहदे वेट नाल नीचे वाल गिरिया। सो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग आ 1960 की बनी हुई आ, तो बड़े ध्यान दे नाल जिहड़ा इत्थे जिहड़ा बड़ा इंजीनियर्स ने जिहड़े उन्हें राय दे नाल इत्थे काम होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल जिथे भी जिहड़ा भी इहदे लई अणगहली जिहदी हैगी आ वो जांच भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए तो अगे तो यह जहाँ कोई हादसा ना वापरे। सर होर स्कूलों के भी लगता भी पुराने जो बने हुए हैं उन्होंने इमारत भी चेक करने, बिल्कुल जिहड़ियां देखो बड़े पुराने स्कूल बने हुए हैं पंजाब के विच भी, लेकिन जिहड़ी अनसेफ हो चुकी बिल्डिंग है ना, उन्होंने सरकार चाहिए
कि हुणे तो जांच करा के प्रॉपर जिहड़ी अनसेफ बिल्डिंग ने उन्हां उत्थे जिहड़े बच्चियां नूं उत्थे अंदर नहीं क्लासां लगणी चाहीदियां सो तां आने वाले समय से हादसे जो बच सकते हैं सो इस पास सारे ध्यान देने की प्रशासन में भी सरकार को ध्यान देने की लड़ है खतरनाक है जी दो टीचर अजे भी अंदर है उन्होंने कटने की कोशिश की जा रही है एन डी आर एफ मेरी डीसी मैडम में गल हुई है उन्होंने पहला नहीं पता तो हूँ उन्होंने क्या जो एन डी आर एफ नहीं भेज रही है पर रब मेहर करे साढ़े बच्चे ठीक ठाक किन्ने टीचर के बच्चे थले दबे हुए थे किन्ने कट ले गए टीचर ही ठीक जी दो टीचर सट लगी और बाहर निकल के रेस्क्यू दो अजे अंदर ही है जहाँ कटने की कोशिश की खतरनाक है जी दो टीचर अजे भी अंदर है उन्होंने कटने की कोशिश की जा रही है एन डी आर एफ मेरी डीसी मैडम में गल हुई है उन्होंने पहला नहीं पता तो हूँ उन्होंने क्या जो एन डी आर एफ नहीं भेज रही है पर रब मेहर करे साढ़े बच्चे ठीक ठाक किन्ने टीचर के बच्चे थले दबे हुए थे किन्ने कट ले गए टीचर ही ठीक जी दो टीचर सट लगी और बाहर निकल के रेस्क्यू दो अजे अंदर ही है जहाँ कटने की कोशिश की